हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का हम मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर आपका है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो अनुक्रम तथा श्रेणी के इस चैप्टर में हम काफी सारी चीजें कर चुके हैं और अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक सब बच्चे नोट डाउन करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन हम करेंगे बच्चों, और इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे होता क्या है, उसके बाद इसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ध्यान पूर्वक इसको समझना, नोट डाउन करना। तो बच्चों इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों समांतर माध्य। होता क्या है ये डेफिनेशन लिखेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझना इसको, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि भाई अर्थमेटिक मीन या फिर समांतर माध्य किसको कहते हैं। तो अर्थमेटिक मीन या फिर समांतर माध्य उसको कहते हैं, मान लीजिए दो संख्याएं हैं आपके पास, दो नंबर्स हैं, क्या क्या ए और बी, टू नंबर्स हैं ए और बी, और उनके बीच एक संख्या ए है। दो नंबर दो संख्याएं हैं ए और बी, और उनके बीच ये कैपिटल ए एक संख्या है, और ए फिर ए बी समांतर श्रेणी में हो, ये देखिए ए फिर कैपिटल ए फिर बी एक समांतर श्रेणी में हो, तो ए को ए प्लस बी का समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन क्या होता है ये चीज आपको समझना है। देखिए इंग्लिश में समझाने की कोशिश करूंगा कि टू नंबर्स हैं, दे आर टू नंबर्स ए एंड बी, और उनके बीच में हमने ए को इंसर्ट कर दिया, वी इंसर्ट ए, ठीक है, और जो ए फिर कैपिटल ए एंड बी है ये क्या है, ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है, सीरीज है, और उसमें क्या है ए को ए और बी का क्या बोलते हैं हम, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। तो इसको पहले नोट डाउन कीजिए फिर हम डिटेल में समझेंगे इसको।
तो बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, अब यहां पे जो समांतर श्रेणी है वो क्या है भाई? समांतर श्रेणी है हमारे पास ए ए एंड बी, ये है। अब बताइए किसी एपी में, ठीक है, एपी में हम बी कैसे निकालते हैं? बी निकालते हैं ए टू माइनस ए वन, दैट इज ए टू क्या हो गया, ए हो गया, दिस माइनस दिस, ये ए वन, ये ए टू ए थ्री, तो ए टू माइनस ए वन मतलब ए माइनस स्मॉल ए, एंड ए थ्री माइनस ए टू मतलब बी माइनस ए, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि d क्या होता है यहाँ पे, ऐसा कुछ होता है d इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है जो ए टू कितना है यहाँ पे, a माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, देखिए यही चीज लिखी है मैंने यहाँ पे, है ना। इसके बाद इसको हम सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस ए को हम लेफ्ट की तरफ ले आएंगे तो ए प्लस ए, और जो ये ए है इसको हम राइट की तरफ लेके चले जाएंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 2a, 2a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा b प्लस ए, ठीक है। तो a कितना आ गया, a आ गया b प्लस ए बाय टू, या फिर a प्लस b बाय टू, ठीक है, इसको a प्लस बी बाय टू लिख सकते हैं। तो ये इसका मीन ही तो हो गया, a और b का मीन ही तो हो गया जो a है यहाँ पे। बस यही चीज बताई गई है कि जो a है वो a और b का क्या है, समांतर माध्य कहते हैं इसको। तो देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब इसके इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। अब देखिए बच्चों यहां पे अगर हमें चार और बारह के बीच समांतर माध्य निकालना है तो क्या करेंगे भाई, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, चार प्लस बारह और दो से डिवाइड कर देंगे और ये आ गया सोलह बटे दो, ये आठ आ गया। तो चार और बारह के बीच समांतर माध्य कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा।
इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आए कि दो नंबर के बीच में समांतर माध्य निकालना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, समांतर माध्य आ जाएगा। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, हमारे पास दो नंबर्स हैं, 4 और 12, है ना, 4 और 12, इसके बीच में आ गया 8। तो क्या ये एपी बन गया? एपी के लिए सबका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, ये भी 4, ये भी 4 है, तो ये एक एपी बन जाती है ना। तो इस तरह से, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक डेफिनेशन लिखेंगे। इस प्रकार तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये इसकी डेफिनेशन है कि भाई ए और बी के, ए और बी है, इसके बीच हमने एक संख्या रखी तो एक एपी बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। इसी तरह से ए और बी के बीच में हम कितनी भी संख्या रखकर एपी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही आएगी, बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं, यही यहाँ से हम कहना चाहते हैं। तो इस डेफिनेशन को नोट डाउन कीजिए।
तो बच्चों ये सब नोट डाउन कर लिया आपने डेफिनेशन। अब हम क्या करेंगे, माना ए और बी के मध्य ए वन ए टू ए थ्री ए एन इस प्रकार हैं भाई, ए एन ए वन ए टू ए थ्री, ये सब ए और बी के बीच में इस तरह से हैं कि जो हमारी एपी है, ठीक है, समांतर श्रेणी है, वो किस तरह से बन जाएगी। सबसे पहले ए आएगा, फिर ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, कहां तक, ए एन तक, एंड उसके बाद बी भी तो है कि नहीं। तो मुझे बताइए टोटल टर्म्स यहां पे क्या होंगी, ठीक है, यहां पर कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या यहां पे कितनी है, यहां पे कुल पदों की संख्या है n प्लस टू। जनरली क्या होता है, टोटल टर्म्स होती हैं n, लेकिन यहां पे देखिए यहां से लेके यहां तक तो n टर्म्स हैं, और a और b भी तो हैं अलग से, तो कितनी होगी, n प्लस टू हो गई बच्चों। अब मुझे बताइए कि जो लास्ट टर्म होता है, अंतिम पद जो होता है, अंतिम पद या फिर लास्ट टर्म, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना। तो ये फॉर्मूला है, इसकी मदद से हम कुछ और करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए पहले। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए तो लास्ट टर्म है, अंतिम पद है, उसको हम एल से डिनोट करते हैं वैसे, है ना। तो ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है, लेकिन यहाँ पे जो एन टोटल टर्म्स है, एन क्या हुआ, एन एन क्या होता है, एन होते हैं कुल पद, है ना, कुल पद होते हैं यानी टोटल टर्म्स। तो यहाँ पे टोटल टर्म्स कुछ अलग है, यहाँ पे टोटल टर्म्स क्या है, देखिए यहाँ पे टोटल टर्म्स हैं बच्चों, लास्ट टर्म यहाँ पे कौन सी है, b है, अंतिम पद तो b है, तो b किसके बराबर होगा, a प्लस n प्लस टू, भाई लास्ट टर्म यहाँ पे n प्लस टू है, है ना, लास्ट टर्म n प्लस टू है, तो यहाँ पे n प्लस टू माइनस वन इंटू डी ये आएगा, n प्लस टू माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, n प्लस टू माइनस वन इंटू डी, तो b यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स a प्लस n प्लस टू माइनस वन इंटू डी, ये हो गया, और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, a प्लस एन प्लस टू माइनस वन हो गया, n प्लस वन इंटू डी, हो गया कि नहीं हो गया। तो हम क्या करते हैं, a को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, b माइनस a इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू डी, ये क्लियर है। यहां से हम d की वैल्यू निकाल देंगे, d क्या आ जाएगा, b माइनस a बाय एन प्लस वन, तो d आ गया b माइनस a बाय एन प्लस वन, ये हमारे पास यहाँ पे d आ गया।
और बच्चों AP यहाँ पे क्या हो जाएगी, AP तो आपको पता है A, A1, A2, A3, A4, AN and B। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये क्या है, ये है A1, ये क्या है A2 दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है A3, ये चौथी टर्म है A4, ये पांचवी टर्म है A5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे A तो क्या रहेगा, ये तो A ही रहेगा, ये दूसरी टर्म A प्लस D हो जाती है, तीसरी टर्म A प्लस 2D हो जाती है, ये चौथी टर्म A प्लस 3D हो जाती है एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से हम सारी टर्म्स निकाल सकते हैं कि भाई प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म A है हमारे पास, फिर क्या है दूसरा पद हमारे पास है यहाँ पे A1, कितना है A1, दूसरा पद है A1, ये कितना हो जाएगा A प्लस D, है ना। तीसरा पद क्या हो जाएगा A2, ये कितना है A प्लस 2D, फिर चौथा पद हो जाएगा A3 जो कि A प्लस 3D है एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा बच्चों। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से कोई भी अगर दो नंबर्स हैं उनके बीच में कितने सारे हम जो आपके पास अर्थमेटिक मीन है वो डाल सकते हैं, जिससे हमारे पास AP आती है और उस AP के सभी टर्म्स हम इजीली निकाल सकते हैं, यही यहाँ पे कहने का पर्पस है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक सवाल करेंगे, क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे सब बच्चे। क्या बोला गया है, ऐसी छह संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रमिक समांतर श्रेणी बन जाए। मतलब क्या है कि भाई ऐसी आपको छह संख्याएं बतानी है, किस किस के बीच बतानी है, 3 और 24 के बीच बतानी है कि जब हम उनको रखें तो वो एक समांतर श्रेणी यानी एपी बन जाए। ठीक है, ये चीज आपसे पूछी गई है, नोट डाउन कीजिए फिर इसको सॉल्व करें।
तो बच्चों किस तरह से अप्रोच करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम यहां पे लिख सकते हैं, माना तीन और 24 के बीच है संख्याएं हो सकती हैं A1, A2, A3, A4, A5 और A6। अगर हमने इनके बीच में 6 संख्याएं रखी तो हमारे पास AP क्या आ सकता है? हमें क्या चाहिए भाई? एक समांतर श्रेणी बन जाए, ये चीज चाहिए। मतलब AP बन जाए तो AP क्या हो सकता है? AP हो सकता है सबसे पहले 3 आएगा, फिर A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड 24। तो यहां से देख के मुझे बताइए कि टोटल टर्म्स कितनी होंगी, कुल पद जिसको हम N बोलते हैं, ये 8 हो जाएंगे। अब अंतिम पद क्या होगा? अंतिम पद जो L होता है वो हो जाएगा बच्चों 24, 24 हो जाएगा। और जो प्रथम पद है वो कितना है यहाँ पे? प्रथम पद है यहाँ पे A जो कि 3 है। ये चीज पता है आपको? तो यहां से हम क्या कर सकते हैं भाई, अंतिम पद जो होता है L = A+N-1 × D होता है ना? अंतिम पद का फॉर्मूला यही होता है। तो अंतिम पद हमारे पास तो 24 है, A है 3 प्लस, तो 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 24 - 3 = 8 - 1 7D हो जाएगा, और ये 21 = 7D। तो D कितना आ जाएगा बच्चों? 21/7 दैट इज 3। D आ गया 3 हमारे पास। अब देखिए AB है और D है हमारे पास, तो सारी टर्म्स हम निकाल सकते हैं। सारी टर्म्स कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितनी है? A है, ठीक है, A1 A हो जाएगा। A2 क्या है? A2 तो A1 के बराबर है ना? A2 क्या है? A2 A1 के बराबर है। और होता क्या है A2? ये होता है A+D, है ना? A कितना है? 3 है, और D भी 3 है, 3 + 3 = 6 आ जाएगा। तो A2 जो दूसरी टर्म है वो आ गई 6। इसी तरह तीसरी टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, जो कि A2 है, ये हो जाएगी A+2D, दैट इज 3 + 6, ये आ गया 9। अब A4 क्या हो जाएगा? A3, दैट इज A+3D, दैट इज 3 + 9, ये आ जाएगा 12। A5 क्या आ जाएगा? A4 = A+4D = 3 + 12, ये आ जाएगा 15। A6 A5 होगा A+5D, दैट इज 3 + 15, दैट इज 18। एंड A7 है A6, दैट इज A+6D, और ये हो जाएगा 3 + 18, ये आ जाएगा 21। और A8 कितना है? गिवन है ये 24 है। तो हमारे पास जो AP है वो क्या आ जाएगी? AP आ जाएगी, AP के जो बीच के 6 टर्म्स हैं, यही तो बताने हैं, ये आ जाएगा 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ये AP के 6 टर्म्स होंगे। तो देखिए सबके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। आपको क्या करना है, जो भी हमने आज क्वेश्चन किया है, टॉपिक किया है, क्या किया है, समांतर जो माध्य हमने किया है, अर्थमेटिक मीन किया है, उसको अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, ताकि आने वाले जो क्वेश्चन है वो इजीली कर पाए एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो बच्चों होमवर्क अपना अच्छे से कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।